रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। भारत ने चीन को हर तरफ से घेरने की तैयारी कर ली है। एलएसी पर भारत के सख्त तेवर को देखते हुए चीन अब बातचीत करने को मजबूर है। चीन के नियंत्रण वाले हिस्से मोल्डो में दोनों सेनाओं की बातचीत हो रही है और भारतीय दल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं, जबकि चीन की तरफ से शिनजियांग सैन्य जिले के चीफ मेजर जनरल लियोलेन कर रहे हैं। और उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर दूसरे विश्व युद्ध में रूस की जीत की 75वीं सालगिरह पर होने वाली विक्ट्री परेड में वो हिस्सा लेंगे। मॉस्को में चीन के कूटनीतिक मात देने की भी तैयारी हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राहुल कवल। इस वक्त चुशूल और मोल्दो के इलाके में चाइनीज सेना ने कोर कमांडर्स की बैठक बनाई है। हम आपको कुछ नक्शों के जरिए दिखाते हैं कि फिलहाल ये मीटिंग कहाँ पे चल रही है और उसका एजेंडा क्या है। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ पे चुशूल हिंदुस्तान की साइड पे पड़ता है और मोल्डो चीन की तरफ पड़ता है, जहाँ पर चाइनीज आर्मी ने कोर कमांडर्स की बैठक बुलाई है। 6 जून को पिछली दफ़ा ये वार्ता हुई थी, जिसमें ये तय हुआ था कि चाइनीज सेना और भारत की सेना दोनों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जहाँ वो आमने सामने थे पीछे जाएंगी। चीन ने दगा दिया, जो वादा किया उसको पूरा नहीं किया, और गलवान घाटी में हमने देखा किस तरीके से हिंसा हुई। उसके आगे स्थितियां कहां जाएंगी, दोनों तरफ से बड़ा बिल्डअप है, उस पर ये मीटिंग चल रही है। ये है चाइनीज क्लेम लाइन और ये है हिंदुस्तानी क्लेम लाइन। इस चाइनीज क्लेम लाइन में इस जगह पर ये मीटिंग चल रही है इस वक्त पे। ये चुशूल का गाँव है, चुशूल के गाँव के बेहद नज़दीक, और चूँकि पेंगोंग लेक लगातार खबरों में रहा है, तो पेंगोंग के दक्षिण के इलाके में चुशूल गांव के नज़दीक ये जो बॉर्डर पोस्ट है, वहाँ पर इस वक्त पर भारत के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और साथ ही साथ चीन के मेजर जनरल लियू लिन के बीच में ये बातचीत चल रही है। इसको बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हट कहते हैं। आइए वो हट कैसा दिखता है सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं। तो इस इलाके में 3 हेलीपैड, और हम अपने दर्शकों को बताएं कि जिस तरह की जानकारी आज तक के पास है, किसी भी चैनल के पास इस तरह की जानकारी नहीं है। 3 हेलीपैड हैं, जिनमें से एक में हमारे लेफ्टिनेंट जनरल लैंड हुए। ये हेलीपैड नंबर 1, ये 2, ये 3, 3 हेलीपैड्स में रखे गए हैं, ताकि अगर एक किसी भी वजह से उस दिन ना चल रहा हो तो दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भारत का बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हट है। अब सेनाओं के बीच में असल में होता यह है कि जो भी सेना बैठक बुलाती है उसके यहाँ पर उसके हट में मीटिंग होती है। तो इंडिया का जो इस इलाके में हट है वो काफ़ी बड़ा है, ये है चाइना का हट, और इस हट में फिलहाल ये मीटिंग चल रही है। वो चाइनीज हट में इसलिए हो रही है क्योंकि चाइना ने ये मीटिंग बुलाई है। इसको बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हट कहते हैं। तो ये BPM हट कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर ये बैठक चल रही है। इसके ऊपर चाइना का फ्लैग पोस्ट है, ये मैं आपको एक तस्वीर में दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने आपको अभी सैटेलाइट से दिखाया, ये ज़मीन से ली गई तस्वीर है। ये इंडिया का हट है और काफ़ी बड़ा ये हट है, ये चाइना का हट है। इस इलाके में चाइना का हट छोटा है, अलग अलग जगहों पर कहीं हमारा बड़ा हट होता है, कहीं पर उनका हट छोटा होता है। और ये मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इलाके में ये मीटिंग चल रही है। अब लुई लिन जो चाइना के मेजर जनरल हैं, ये जो शिनजियांग साउथ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है ये उसके कमांडर हैं, और भारत में 14 कोर है ले में जो हेडक्वार्टर्ड है। तो हमारी सेना के जो कोर कमांडर हैं और चाइनीज आर्मी के जो कोर कमांडर हैं उनके बीच में ये बातचीत है। भारत का कहीं ना कहीं फोकस ये है कि हम ये सुनिश्चित करें कि चीन ने जो वायदे किए कि वो अपनी सेना को वापस लेंगे, उस वायदे पर वो आगे बढ़ें। प्लस चाइना ने ये मीटिंग बुलाई है, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जिस वक्त जो रोष है भारतीय सेना में लाजमी तौर पर हमारे 20 सैनिकों किस तरीके से हत्या के बाद, कि वो ठंडा हो और दोनों आर्मीज वापस जाएँ। लेकिन हिंदुस्तान का फोकस बड़ा क्लियर है, हम सुनेंगे कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन पहले हम देखेंगे कि जो आप कह रहे हैं वो पूरा करते हैं या नहीं, और अगर करेंगे तभी हम आपकी बात मानेंगे। पिछली दफा चीन ने जो वादा किया उसको पूरा नहीं किया, इस वजह से भारत की आर्मी के कोर कमांडर गए तो हैं, लेकिन चाइनीज आर्मी से बड़ी सख्त बातचीत इस वक्त चुशूल मोल्दो के इलाके में चल रही है, जो हमने आपको नक्शों के जरिए दिखा। शुक्रिया राहुल। राहुल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, नक्शे के जरिए बताया। और कथनी और करनी में किसी तरह का अंतर नहीं होना चाहिए, यही भारत कह रहा है कि देखेंगे जो बातचीत के जरिए क्या वाकई जो कह रहा है चीन वो उस पर अमल करेगा भी या नहीं। तो उधर गृह मंत्रालय में भारत चीन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर बड़ी बैठक हुई है। बैठक में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ITBP, CPWD और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे और गृह सचिव ने बैठक की अध्यक्षता की। ये तय हुआ है कि सीमा पर सड़क निर्माण का काम जल्दी ही पूरा किया जाएगा।
और ये सैटेलाइट इमेजेस भी हम आपको बता दें कि बातचीत जिस तरीके से चल रही है वहां पर, जैसे राहुल भी बता रहे थे कि सेनाओं के बीच में बातचीत हो रही है, चौदहवीं कोर के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, और उधर से चीन की तरफ से साउथ चिनजियांग के मेजर जनरल ल्यूलिन के बीच ये बातचीत हो रही है। इससे पहले भी दोनों ही लीडर्स मिले थे जबकि बातचीत हुई थी, लेकिन वो बातचीत बिल्कुल कहने को कामयाब रही, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ, जिस तरीके से शहादत हुई हमारे सैनिकों की, इस बार चीन ने यह बैठक बुलाई है, क्या चीन शांति चाहता है या फिर वाकई चीन के इरादे कुछ और हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो गलवन में चीन की हिमाकत हिंदुस्तान के लिए भी बड़ा सबक है। चीन ने समझौते की धज्जियां उड़ाई और हमारे निहत्थे जवानों की हत्या की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चीन ने गुस्ताखी की तो उसका जवाब अब गोलियों से दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये कि सरकार की तरफ से सेना को ये कह दिया गया है कि गलवान जैसे हालात अगर दोबारा बनते हैं तो फिर सेना बेहिचक गोलियां चलाए, अगर चीन हिमाकत करता है तो गोलियों से उसका जवाब दिया जाए। जवानों की जिंदगी खतरे में अगर पड़ती है तो प्रोटोकॉल की परवाह करने की जरूरत नहीं है। फील्ड कमांडर्स जवानों को फायरिंग करने का आदेश भी दे सकते हैं और ये डिसीजन उसी वक्त फील्ड कमांडर को ही लेना होगा। भारत माता सेवलो అమరులైనటువంటి సంతోష్ బాబు గారు కానీ లేక మరో 1900 మంది మన సైనిక సిబ్బంది కానీ వాళ్ళ త్యాగాలు వృధా పోవు, తప్పకుండా ఏ లక్ష్యం కోసమైతే అమరవీరులయ్యారో ఆ లక్ష్య సాధనలో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో తప్పకుండా భారత ప్రభుత్వము ఈరోజు భారతీయ సైనికులకు అంటే ఇండియన్ ఆర్మీకి పూర్తి స్వచ్ఛనిచ్చింది। और इधर सरहद पर तनातनी है, इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की घेराबंदी कर रहे हैं। जो संघर्ष चल रहा है और पिछले खास तौर पर 1.5 महीने से वार्ता भी हो रही थी, डिप्लोमेटिक चैनल भी चल रहा था, साथ में जो है वहाँ पर बॉर्डर पर आपस में संघर्ष भी हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें तो पहले की जानी चाहिए थी। अगर हमारे जवानों के पास हथियार होते तो शायद उनकी इस तरह से जान नहीं जाती। जैसा कि अभी हमारे बिहार रेजिमेंट के, गौरवशाली बिहार रेजिमेंट के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, 10-10 को एक ने मारा है, ऐसे में हम सब पूरी तरह से भारत की सेना चीन को जवाब देने के लिए सक्षम है, दुनिया के किसी भी देश को जवाब देने के लिए सक्षम है। दुनिया का बहुत बड़ा एक टीम भारत के साथ है कि हमारी भारत सरकार ना तो कभी झुकी है ना कभी झुकेगी, जो भी हमारे यहाँ हमला करने की कोशिश करेगा वो मुंह की खाएगा। तो राहुल गांधी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है, निशाने पर है मोदी सरकार की चीन नीति और सरहद पर चीन से तनातनी। मनमोहन सिंह ने बाकायदा बयान जारी कर कहा है कि हम सरकार को आगाह करेंगे कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीतिक तथा मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। साथ ही पिछलगु सहयोगियों द्वारा प्रचारित झूठ के आडंबर से सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता। गौरतलब है कि चीन के मसले पर सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा था कि हमारी सीमा में न तो कोई घुसा है और न ही किसी ने हमारे किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए तो पीएमओ को सफाई भी जारी करनी पड़ी। पीएमओ की तरफ से बताया गया कि LAC पर चीनी सेना की हरकतों की वजह से ही विवाद हुआ है। पीएम मोदी को कर्तव्य की याद दिलाते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें अपने बयानों को लेकर भी नसीहत दी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और ऐलानों द्वारा देश की सुरक्षा एवं सामरिक व भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधानपूर्ण रहना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चीन से टकराव पर सरकार को नसीहत दी तो जवाब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उतरे। उन्होंने कांग्रेस पर सेना का मनोबल गिराने का आरोप लगाया। साथ ही नड्डा ने कांग्रेस को यह भी याद दिलाया कि उसके शासन के दौरान ही चीन ने भारत की 43,000 किलोमीटर जमीन पर अक्साई चीन में कब्जा किया था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सवालों पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी जवाब दिया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी जी,
पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उन्होंने चीन को लेकर पहली बार बयान जारी किया है। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं उससे चीन को षड्यंत्र करने में जो है ज्यादा मदद होगी। गलवान घाटी को लेकर जो बयान जारी, वो बोले नहीं है, बुलवाए गए हैं, और वो भी जो है वो सामंती सुरूर में चकनाचूर लंपट लफाजी से भरपूर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनकी इस लंपट लफाजी को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। मेरा तो यही कहना होगा, ये जो परिवार है इस परिवार को अपने 50 साल के पप्पू को पॉलिटिकल प्ले पाठशाला में भेज देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की वो लंपट लफाजी कर रहे हैं और जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो उस पर जो है गलत बयानी, आर्थिक मुद्दा हो उस पर गलत बयानी, उसके अलावा देश के सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, देश के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा हो उस पर गलत बयानी, ये तो इस गलत बयानी के हिस्ट्री शीटर बन गए हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त हमारे सुरक्षा बल जो है वो घुस घुस करके आतंकवादियों का सफाया कर रहे थे तो उस वक्त ये सबूत मांग रहे थे, जिस वक्त जो है वो हमारे सुरक्षा बलों ने सर्जिकल स्ट्राइक की उस वक्त वो सवाल खड़े कर रहे थे। तो ये जो सबूत और सवाल के माध्यम से इस लंपट लफाजी इनकी है वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस बात को सोचना चाहिए और ख़ास तौर से परिवार को सोचना चाहिए कि ये परिवार जो है वो अपने 50 साल के पप्पू को किसी पॉलिटिकल प्ले पाठशाला में भेजे ताकि जो है इस तरह की लंपट लफाजी से पर लगाम लग सके। चीन को लेकर मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच लगातार तनातनी चल रही है, दोनों ओर से हमलों की धार हर दिन तेज होती जा रही है। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा, कौन जिम्मेदार है? तो भगवान भी अब साथ नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी, वो नरों के ही नेता नहीं अब सुरों के भी नेता है। यह बात आपके जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए, आपके ट्विटर से निकलती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि चीन और चीनी वायरस दोनों से जंग है और इस जंग में जीत तय है। दिल्ली वालों को भरोसा दिया कि इंतजाम की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। अब डेली 18,000 के करीब टेस्ट डेली हो रहे हैं। बीच में कुछ लैब्स ने गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, उन लैब्स के खिलाफ हमने एक्शन लिया, क्योंकि गलत काम तो किसी को नहीं करने दिया जा सकता। कुछ लैब्स ऐसी थी जो कि नेगेटिव होने के बावजूद भी पॉजिटिव दिखा रही थी जब उनकी चेकिंग की गई। तो अब सारी लैब्स को सख्ती के साथ कहा गया है कि सही काम करना है और पूरी कैपेसिटी के ऊपर काम करना है, खूब टेस्ट करने हैं। जितने अब होम क्वारंटाइन के केसेस होंगे, होम आइसोलेशन के, दिल्ली सरकार हर होम आइसोलेशन वाले केस को एक ऑक्सी पल्समीटर देगी। आप उस पल्समीटर को अपने घर रखिए, जब आप ठीक हो जाए सरकार को वापस कर दीजिए 10 दिन के बाद। उस पल्समीटर से आप हर घंटे में 2 घंटे में आप अपनी ऑक्सीजन नापते रहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन कम होती है हम आपको एक फ़ोन नंबर दे देंगे, उस पर फ़ोन कर दीजिएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर रख रहे हैं, तुरंत हमारी टीम कॉन्सेंट्रेटर लेके पहुंच जाएगी जल्द से जल्द और आपको तुरंत आपके घर में ऑक्सीजन दे दी जाएगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आज पूरा देश चाइना के खिलाफ 2 युद्ध लड़ रहा है, एक चाइना के द्वारा भेजे गए वायरस के खिलाफ और दूसरा चाइना के खिलाफ बॉर्डर के ऊपर युद्ध लड़ रहा है। वायरस के खिलाफ हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, ये सब युद्ध लड़ रहे हैं, और बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। आज पूरा देश हमारे डॉक्टर्स के साथ एक तरफ खड़ा है और हमारे दूसरी तरफ हमारे सैनिकों के साथ खड़ा है, और इन दोनों युद्धों को हमें पूरे देश को मिलकर लड़ना है, इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अब रुख करते हैं कानपुर का, जहां पहले से ही कोरोना के बढ़ते केस चिंता बढ़ा रहे थे, अब लड़कियों के शेल्टर होम में 157 संक्रमित निकलने से हड़कंप मच गया है। सरकार घेरे में है, विपक्ष सवाल। कानपुर में कोरोना विस्फोट,
बालिका गृह में 57 पॉजिटिव। प्रियंका का वार घेरे में सरकार। यूपी के औद्योगिक शहर कानपुर में हड़कंप है। कोरोना के बढ़ते मामले से बेचैनी थी, अब लड़कियों के शेल्टर होम में कोरोना विस्फोट से हड़कंप मचा हुआ है। एक कर्मचारी समेत शेल्टर होम की 57 लड़कियां और महिलाएं कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। हफ्ते भर पहले यहां पहला केस आया था और इसके बाद जिस तरह से मामला बढ़ा उससे लखनऊ तक हैरान है। 18 जून को कानपुर के शेल्टर होम में 33 लड़कियां और महिलाएं कोरोना पॉजिटिव निकल गई। अगले दिन 16 केस और जुड़ गए और 20 जून को 8 नए केस और आ गए। जो प्रेगनेंसी रिलेटेड रिकॉर्ड है या जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो वहाँ का रेस्क्यू होम में वो डेटा मेंटेन किया जाता है और वहाँ पे जो रेस्क्यू होम है इस वक्त वो सील्ड है, कोरोना की वजह से सील्ड है क्योंकि एक्सेस नहीं हो पा रहा है। ना पुलिस को ना प्रशासन को तुरंत सूचना आप लोगों को देने में दिक्कत हो रही है। कानपुर के शेल्टर होम में 7 लड़कियां गर्भवती पाई गईं, जिनमें 5 संक्रमित है जबकि 2 गर्भवती 17 साल से भी कम है, 1 तो HIV संक्रमित भी है। कानपुर नगर बालिका संरक्षण गृह संवासिनी गृह में विगत सप्ताह कराए गए परीक्षणों में COVID-19 के 57 मामले पाए गए हैं। इनमें से सभी को कोविड अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इन सभी का कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है, जिनमें से 2 मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में और 3 रामा के आईसीयू में भर्ती हैं। शेल्टर होम में एक साथ इतने मामले आने से लखनऊ दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सरकार प्रशासन घेरे में है, विपक्ष सवाल दाग रहा है। सवाल तो नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने पर भी है। कानपुर में कोरोना के अब तक कुल मामले 1000 के करीब है, 39 लोगों की जान भी जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि आधे से ज्यादा लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं। रंजय सिंह, कानपुर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।